प्रदेश भर में कोरोना महामारी का कहर अब भी जारी है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पताल प्रशासन सतर्क हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, कोरोना की थर्ड वेव ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते परिजन अपने बच्चों को लेकर बेहद सावधानियां बरत रहे। अगर बात करें हिमाचल की, तो यहां पर कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। हिमाचल प्रदेश में 10 दिन के मासूम समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। टाणा मेडिकल कॉलेज में 10 दिन के संक्रमित बच्चे ने दम तोड़ दिया। मृतक जिला हमीरपुर के जाहू से संबंधित है, जो टाणा अस्पताल में जन्मा था। वही मंडी में 65 वर्षीय महिला और 73 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई। मधुर हमारी स्कूल अभी 25 सितंबर तक बंद रखे गए हैं। दोबारा क्या संभावनाएं हैं? अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा संतोषजनक, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि कभी घटते हैं कभी बढ़ रहे हैं, ऐसे केसेस आ रहे हैं, नंबर ज्यादा नहीं ऐसा आ रहा। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड 19 के 205 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,659 पहुंच गया। अब तक कोरोना के 21,08,898 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,13,430 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,793 हो गए। इनमें से बिलासपुर जिले में 167, चंबा 22, हमीरपुर 419, कांगड़ा 532, किन्नौर 38, कुल्लू 41, लाहौल स्पीति 4, मंडी 236, शिमला 185, सिरमौर 5, सोलन 49 और ऊना में 95 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 92 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 9,713 लोगों के सैंपल लिए गए।